उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ आस्था के महापर्व छठ का समापन। बिहार और यूपी समेत देश के कई हिस्सों में घाटों पर रौनक। पटना में राबड़ी देवी ने अपने घर पर की छठ पूजा, बेटियों और दामादों के साथ राबड़ी ने लिया छठी मैया का आशीर्वाद। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल को नुकसान से बचाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कमेटी ने बताया है कि पूजा के दौरान महाकाल को चढ़ाई जा रही कुछ चीजों से शिवलिंग को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा यूपीए सरकार में 10 जनपद यानी सोनिया का निवास नहीं था सत्ता का केंद्र। शिवसेना पर बरसे महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, कहा दोमुहा रवैया नहीं चलेगा, सरकार में रहना है या नहीं उद्धव ठाकरे तय करें। बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाले नरेंद्र पटेल ने किया स्टिंग ऑपरेशन। ऑडियो क्लिप में बीजेपी में शामिल वरुण पटेल की डील करते कथित आवाज, ऑडियो में पैसे की लेनदेन की हो रही है बात। पीएम मोदी के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी दिन, आज पीएम ट्रेनी आईएएस अधिकारियों को करेंगे संबोधित। यूपी के शामली में सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने, लड़कियां छेड़छाड़ की वजह से स्कूल सिर झुकाकर आने को मजबूर हैं। यूपी के फतेहपुर सीकरी में भारत घूमने आए स्विस प्रेमी जोड़े की पिटाई के 5वां आरोपी गिरफ्तार हुए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने योगी सरकार से मांगी रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या मामले में आज पंचकुला की विशेष अदालत में सुनवाई, इस मामले में जेल में सजा काट रहा राम रहीम आरोपी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।